ये जो घटना हुई ये मात्र दादरी की घटना नहीं है, इसमें पूरे देश के गुर्जर समाज के स्वाभिमान पर चोट पहुंची है। और जो कालिक पोतने का काम किया गया है हिंदू सम्राट गुर्जर मीर भोज जी के मुंह पे, जो देश के पूरे देश के रक्षक थे और जो सनातन धर्म के रक्षक थे, हिंदू गुर्जर सम्राट थे, ये जो हिंदूवादी के चेहरा जो ये सरकार का है बीजेपी का, जो ये ढोंग करते हैं हिंदूवादी चेहरा का, ये इनका दोहरा चरित्र पूरे देश के सामने आ गया है कि पूरे देश के चक्रवर्ती हिंदू सम्राट के मुख पर कालिक पोती गई और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी जाति की तरफदारी की। हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की हमें पता चला है कि अभी 7 तारीख को मेरठ में रैली होने वाली है गुर्जरों को साधने के लिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि इन्होंने गुर्जर समाज से माफ़ी नहीं मांगी तो मेरठ आना भूल जाएं। उस रैली का विरोध होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा, काले झंडे दिखाएंगे और दादरी की जो इन्होंने कालिक पोतने का गुर्जर समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है, पूरे देश का गुर्जर समाज एक है। 31 तारीख तक का समय मुख्यमंत्री जी के पास है, वो अपनी भूल में सुधार करके इस जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के ऊपर रखें और गुर्जर समाज से माफ़ी मांगे तो गुर्जर समाज शायद माफ़ कर दे। बाकी निर्णय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और पूरे देश से जो गुर्जर आएंगे, 31 अक्टूबर को महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा, आगे की रणनीति तय की जाएगी। जो पंचायत होने वाला है किस नाम से होना है, क्या मुद्दा है, कौन संस्था करा रही है पंचायत? राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति द्वारा 26 तारीख को चठेड़ा में पंचायत की गई और फिर 2 अक्टूबर को परिचौक पर पंचायत की गई। इसमें सब समाज के जो हमारे गुर्जर समाज के अलग अलग प्रदेशों से प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने तय किया कि 31 अक्टूबर तक का समय योगी आदित्यनाथ जी को दिया जाए, बीजेपी के नेताओं को दिया जाए, या तो वो गुर्जर समाज से माफ़ी मांगे। जो उन्होंने गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के चेहरे पर कालिक पोती थी, जो हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया था, उस पर पूरे देश के गुर्जर समाज से माफ़ी मांगे, या जो जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर रखें, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट कॉलेज है, गुर्जरों का कॉलेज, अपने पैसे से, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, तो किसी सरकारी संस्था का नाम रखकर इस भूल से प्रायश्चित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के नेता। उसी में 31 तारीख की डेडलाइन उनको दी गई थी, या तो 31 तारीख तक माफ़ी मांग ले, नहीं पूरे देश के गुर्जर आके दादरी के मीर भोज कॉलेज में पंचायत करेंगे और गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के जो अपमान किया गया है, जो हमारे पटेल जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, जो पूरे देश में उन्होंने एकजुट कर 562 रियासतों को एक करने का काम किया, तो पूरे देश का गुर्जर उसे एकता दिवस के रूप में मनाएगा और आगे की रणनीति तय करेगा। एक बात और, जो बीजेपी के नेता जिन्होंने कृत्य किया है, वो बीजेपी मेरठ के अंदर 7 तारीख को गुर्जर सम्मेलन करा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से गुर्जर समाज की तरफ से उन्हें बताना चाहता हूँ कि गुर्जर समाज की स्थिमा, ये जो अस्थि उनकी सम्मान और स्वाभिमान की जो लड़ाई है, उनकी जो इज्जत पे, उनकी पगड़ी उछालने का, उनके महापुरुषों को पे कलंकित करने का काम किया है, इसके अपमान का बदला मेरठ की रैली को बिल्कुल नहीं होने देगा। चाहे कितना ही हमें जोर लगाना पड़े, चाहे जेल हो जाए, चाहे मुकदमे लग जाएं, काले झंडे दिखाएंगे योगी जी को, या तो वो माफ़ी मांगे, अन्य मेरठ की रैली नहीं होने देंगे। ये जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हजारों गुर्जरों ने खून बहाकर शहादत देकर इसको बनाया है, अपने शरीर की एक एक रक्त दे के भी इस इतिहास को बचाने का काम करेंगे, अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाने का काम करेंगे। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को YouTube पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।